नमस्कार, ग्राम पंचायत चुनाव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का चुनाव कब होगा, किस महीने में, किस सप्ताह में होगा और आरक्षण की नीति क्या होगी, दो बच्चों वाला नियम क्या है। इसके अलावा आपको दिलचस्प बातें भी सुनने को मिलेंगी कि किस गाँव में इस बार प्रधानी के कार्यकाल में 10 करोड़ से ज़्यादा धनराशि आएगी विकास के लिए, उन गांवों का भी नाम हम बताएंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि कुछ प्रधान जी लोग हाई कोर्ट चले गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कोरोना में 6-7 महीने तक बैठे थे, कुछ काम करा नहीं पाए या कुछ कमा नहीं पाए। शायद वो काम करवाने के लिए या और ज़्यादा कमाने के लिए हाई कोर्ट में इस बात को लेकर गए हैं कि भाई कोरोना के नाते 7 महीना हम बैठे थे तो हमारा कार्यकाल 7 महीना और ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसे भी केस दर्ज कराए गए हैं। तो ये सारी बातें इस वीडियो में होंगी। आप वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा ताकि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी मिल सके। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाली बटन दबा दीजिए ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूपी में ग्राम प्रधानों का चुनाव कब होना है। इसकी कोई ऑफिशियल सूचना नहीं आई है, लेकिन जानकारों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 15 मार्च से लेकर के 30 मार्च या अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक ग्राम प्रधान का चुनाव कार्यक्रम संपन्न करवाया जाएगा। ये बात रही चुनाव डेट को लेकर के। अब बात करते हैं आरक्षण, किस जात के लोगों को इस बार चुनाव लड़ने का ज़्यादा मौका मिलेगा या कहाँ पर किस तरह का आरक्षण होगा। देखिए, आरक्षण हमेशा पिछले आरक्षण के आधार पर ही नया आरक्षण आपको मिलेगा, यानी परिसीमन जब भी होगा पुराना रिकॉर्ड देखते हुए नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट है तो वह चाहेगी कि बीजेपी से जुड़े हुए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले कि वे ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ पाएँ और चुनाव जीत पाए, ताकि विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उनको और मजबूती मिल सके। ये बात रही आरक्षण को लेकर के। दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का जो चुनाव होना है उसमें क्या 10वीं पास योग्यता जरूरी है, तो इस बात को भी लेकर कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है। पंचायती राज विभाग की तरफ से कोई भी ऐसा आदेश नहीं है, लेकिन लोग सोशल मीडिया पर फ्री में वीडियो बनाना, फ्री में मैसेज करना, घर बैठे कोई काम न करना, बेकार का काम करना आजकल सोशल मीडिया पर सारे लोग कर रहे हैं। तो वही चीज़ें आपके सामने जब आती हैं तो आप उन चीज़ों में उलझ जाते हैं और उन चीज़ों का सही और सटीक जड़ जानना चाहते हैं। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप 10वीं पास, 5वीं पास या 5वीं फेल या अनपढ़ हों, अगर आप प्रत्याशी हैं, आपके अंदर गांव का विकास करने का जज्बा है तो आप चुनाव लड़िए और जनता का और गांव का सबका भला सबका विकास कीजिए। इसके अलावा अगर यूपी में आपके पास 2 से अधिक बच्चे हैं, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपको किसी ने भ्रम में डाल दिया या 2 बच्चों से ज़्यादा वाले चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इसकी भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप सब लोग जिस तरह से पिछली बार ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न हुआ था उसी तरह से इस बार भी संपन्न होगा, वही सारे पुराने नियम रहेंगे। इतना मान करके आप चुनाव कार्यक्रम की तैयारियां करते रहिए। चुनाव प्रचार प्रसार, लोगों से मिलना जुलना, उनकी नेकी बदी पूछना, ये सारी बातों को आप कंटिन्यू रखिए। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पर कि भाई किन गाँवों को इस बार विकास करवाने के लिए 10 करोड़ से ज़्यादा मिलेंगे। तो गोरखपुर जनपद में कुछ ऐसे गांव हैं, कुछ ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर विकास करवाने के लिए 10 करोड़ से भी ज़्यादा मिलेंगे। ये गांव हैं जंगल हरपुर जो भटहट ब्लॉक में है, चौमिखा जो कैंपियरगंज ब्लॉक में है, जंगल तिनकोनिया नंबर 1 जो चरगावा ब्लॉक में है, इन्हें भी 10 करोड़ से ज़्यादा धनराशि मिलेगी 5 वर्ष के कार्यकाल में कि गाँव का विकास खूब ज़बरदस्त तरीके से करवाएँ। इसके अलावा चरगावा ब्लॉक में परमेश्वरपुर और जंगल कौड़िया ब्लॉक में तुर्कवलिया और खजनी ब्लॉक में भेंसा उर्फ बनकटा को भी 10 करोड़ से ज़्यादा धनराशि मिलेगा गांव का विकास करवाने के लिए। इसके अलावा पिपराइच ब्लॉक में रुद्रपुर और
पिपरौली ब्लॉक में जंगल रानी सुहास कुमारी, बहुत बढ़िया नाम है ये, जंगल रानी सुहास कुमारी को भी खूब ज़्यादा धनराशि मिलेगी। इसके अलावा पिपरौली ब्लॉक में भौवा पार ग्राम पंचायत में भी खूब ज़्यादा ज़बरदस्त पैसा मिलेगा और सहजनवा ब्लॉक में भी भड़सार ग्राम पंचायत में 14.23 करोड़ रुपए आवंटित होंगे धीरे धीरे करके गांव का विकास करवाने के लिए। ठीक है, तो ये बातें रहीं 10 करोड़ से ज़्यादा धन आवंटित होने वाले ग्राम पंचायतों की। लेकिन इसके अलावा एक और खबर है जो आपको काफ़ी मज़ेदार लगेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्राम प्रधानों के कार्यकाल की समाप्ति पर बिना चुनाव आयोग की घोषणा किए ब्लॉक के ग्राम पंचायतों में सहायक विकास अधिकारी को प्रशासक नियुक्त करने की वैधता की चुनौती याचिका दाखिल हुई है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने बुलंदशहर के 2 ग्राम प्रधानों कृष्णपाल सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है। ठीक है, इसके लिए इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका पर अधिवक्ता महेश शर्मा ने बहस की। याची अधिवक्ता का कहना है कि ग्राम प्रधानों को नया चुनाव होने तक कार्य करने का अधिकार है, क्योंकि COVID-19 के कारण 7 महीने तक विकास कार्य नहीं हो सका। अभी चुनाव अधिसूचना भी जारी नहीं की गई है, फिर भी सरकार ने 14 दिसंबर 2020 को अधिसूचना जारी करके सहायक विकास अधिकारी को प्रशासक नियुक्त कर दिया। तो इस न्यूज़ का निचोड़ यही है कि भाई कुछ प्रधान जी लोग ऐसे हैं जो कोरोना काल में गांव का विकास नहीं करवा पाए और वे लोग चाहते हैं कि जब तक नया चुनाव न हो जाए तब तक इस कार्यकाल को चलने दिया जाए ताकि कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई इधर के कार्यकाल में या इधर बढ़े हुए कार्यकाल में पूरा करवाया जा सके। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट करके। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि आप अपने ग्राम प्रधान द्वारा किए गए समस्त कार्यों का सारा लेखा जोखा सारा ब्यौरा लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे के बीच संपर्क करके आप सारा डाटा पा सकते हैं, जैसे कि नाली, खड़ंजा, बिजली, पानी, सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, नरेगा, आवास, शौचालय, पेंशन, सब प्रकार की जानकारी, सब प्रकार की लिस्ट आपको मिल जाएगी। इससे आपको चुनाव लड़ने में बहुत फ़ायदा होगा, बहुत मदद मिलेगी, बहुत गलत जगह पर आप समय अपना नहीं बर्बाद करेंगे। जहां अपना समय बर्बाद करेंगे या जहां अपना समय लगाएंगे सही जगह लगाएंगे। तो शुक्रिया, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।